आज हम आपको बरगद के पेड़ के होने वाले कुछ ज़बरदस्त और चमत्कारी फायदे बताने वाले हैं। और दोस्तों, आपने ऐसा देखा होगा कि आपके गांव के अंदर कोई ना कोई ऐसा पेड़ बरगद का ज़रूर होगा जो कि दोस्तों बहुत पुराना होगा, यानी आपके गांव के जितने भी बुज़ुर्ग होंगे उनके दादा दादी चले गए होंगे, लेकिन पेड़ जहाँ था वहीं पर होगा। कहने का मतलब ये है। और दोस्तों, इस बरगद के पेड़ के कुछ ऐसे और ज़बरदस्त फायदे हैं जिनसे आप काफ़ी लाभ ले सकते हैं। तो ऐसा ही एक पेड़ है बरगद। बात करें इसके नाम की तो इसका नाम है दोस्तों हिंदी में बड़ बरगद, तो गुजराती में बड़ कहते हैं, तो मराठी में बड़ बड़ू कहते हैं, पंजाबी में बरगद और बोड़ कहते हैं। यदि आप इसका कोई अन्य नाम जानते हैं जो आपके क्षेत्र में बोला जाता है तो कमेंट के जरिए बता सकते हैं ताकि हमारे अन्य दर्शक इसके बारे में जान सके। दोस्तों, ये जो वृक्ष होता है इसके जो चारों तरफ शाखाएं फैली रहती है और शाखाएं से जो जटा निकलती है, ये जटा हमारे जीवन को बहुत सरल बनाती है। इनका प्रयोग करके आप कई तरह की बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इसके जटा के होने वाले कुछ ज़बरदस्त फायदे भी बताने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इसके गुणधर्म की। तो दोस्तों, बरगद का जो पेड़ होता है यह पित्त नाशक होता है, रक्त शोधक होता है, सुथार होता है, कषाय होता है। इसके साथ साथ यह शीतल प्रकृति का होता है। और दोस्तों, आप इसका प्रयोग करके दांतों के दर्द को ठीक कर सकते हैं, नकसीर की समस्या है, नाक से खून आने की समस्या है तो उसे भी ठीक कर सकते हैं। साथ साथ अगर आपके बाल बहुत तेज से झड़ते हैं, बालों का पकना भी शुरू हो गया है तो दोस्तों बालों की समस्या को ठीक कर सकते हैं। आपके कानों में दर्द होता है तो कान के दर्द के लिए यह जो आप बरगद देख रहे हैं यह किसी रामबाण दवाई से कम नहीं है। इसके अलावा चेहरे की सुंदरता को बढ़ाता है। आजकल के समय में चेहरे पर तरह तरह के क्रीम लगाए जाते हैं, तो ऐसे में यदि आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपका चेहरा सुंदर हो जाता है। तो विस्तार से इस वीडियो में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको यह जानकारी ज़रा सा भी पसंद आ रही है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक करना हमारी मेहनत को सफल बनाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, कान में दर्द होता हो तो कैसे ठीक किया जा सकता है। कई बार हमारे कान में कीड़े चले जाते हैं या फिर कान में कोई घाव हो जाता है तो जिससे दर्द भी बहुत ज़्यादा होता है। यदि आपके कान में कीड़े चले गए हों, कान में फुंसी फोड़ा हो गया हो तो दोस्तों बरगद के जटा को आप तोड़ेंगे या फिर इसके पत्तों को तोड़ेंगे तो इसके अंदर से दूध निकलता है। तो इसके दूध को ले करके और इसमें कुछ बूंद सरसों का तेल मिला करके कान में डालते हैं तो कान में यदि कीड़े चले गए हैं या फिर कान में फोड़ा फुंसी हो गया है तो दोस्तों बहुत जल्दी इससे निजात मिलता है, आराम मिलता है। अगला फायदा है दांत के दर्द के लिए। कई बार दांत में दर्द होता है तो दोस्तों बहुत परेशानी होती है, तो दांत के दर्द होने पर इसके पत्तों को तोड़ने से या फिर इसके जटा को तोड़ने से जो दूध निकलता है, इस दूध को रुई में भिगो करके जहाँ पर दांतों में दर्द हो रहा है उसके छिद्र में इसको डाल देने से दांतों का दर्द बहुत जल्दी ठीक होता है। इसके साथ साथ यह दांतों के कीड़े को भी मार देता है। यदि किसी के दांत को निकलवाना हो तो दोस्तों इसका दूध लगा करके दांत को आसानी से निकाला जा सकता है, और पहले के समय में इसका उपयोग करके दांतों को निकाला जाता था। बात करें अगले फायदे की, यदि आपको बवासीर की समस्या रहती है, बादी बवासीर है, तो दोस्तों 20 ग्राम इसके छाल को 400 ग्राम जल में पकाएं, आधा शेष रहने पर छान करके उसमें गाय का घी और खांड 10-10 ग्राम मिला करके सेवन करने से बवासीर में लाभ होता है। अगला फायदा है नकसीर के लिए, जटा का चूर्ण यानी कि इसके जटे को सुखा करके इसका चूर्ण बना करके 3 ग्राम की मात्रा तक दूध के लस्सी के साथ पिलाने से नकसीर में लाभ होता है। गठिया, चोट व मोज पर बड़ का दूध लगाने से पीड़ा कम हो जाती है। यदि आपके जोड़ों में दर्द रहता है तो दोस्तों इसके दूध को वहाँ पर लगाने से जोड़ों का दर्द है बहुत जल्दी मिट जाता है। तो आज के इस वीडियो में हमने आपसे बरगद के फायदे बताए। अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हम जल्दी मिलते हैं आपसे किसी अन्य नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।